हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बन्ना फूडी किचन में। फ्रेंड्स, मैं लेके आई हूँ आज स्वीट रेसिपी, वो भी गुलाब जामुन एकदम मोती जैसे। तो फ्रेंड्स, बनाइए आप हमारे तरीके से एकदम मोती जैसे छोटे छोटे से गुलाब जामुन, जो खाने में टेस्टी भी है और देखने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो जब भी घर में कोई मेहमान आए तो बना के इस तरह से खिलाइए एकदम छोटे छोटे से गुलाब जामुन। और जो बच्चे नहीं खाते हैं तो आप उनको इस तरह से बना के खिला सकते हैं एकदम छोटे छोटे से, क्योंकि बच्चों को छोटी चीज ज्यादा पसंद आती है। तो फ्रेंड्स, एकदम सॉफ्ट बन के होते हैं ये तैयार। तो वैसे सबका बनाने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग होता ही है। तो फ्रेंड्स देखिए, एकदम सॉफ्ट बने हैं, एकदम मुंह में खुल जाने वाले। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं मैंने इन्हें कैसे बनाया है अपने तरीके से। तो फ्रेंड्स, मैं लूंगी एक बर्तन, बर्तन मैंने गैस पे रख दिया, अभी गैस मैंने ऑन नहीं की है। मैंने ली है 3 कटोरी चीनी। अब मैं इसमें 2 कटोरी फ्रेंड्स पानी डाल दूंगी, थोड़ा सा और डाल दूंगी, और 5-6 हरी इलायची डाल देंगे। अब मैं गैस को ऑन कर दूंगी और अच्छे से हम चीनी को पानी के साथ पिघलने देंगे और हमें एक तार की चाशनी बना के करनी है तैयार। तो फ्रेंड्स देखिए, अच्छे से चाशनी हमारी अब खोलने लगी है। तो इसी तरह से हम इसको 5-6 मिनट के लिए फ्रेंड्स और पकाएंगे, और बीच में चेक करते रहेंगे, एकदम गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, बस हल्की से हमारे उंगलियों में चिपकने सी लगे। तो एक तार की हमें बना के कर लेनी है तैयार। तो फ्रेंड्स अब फिर से हम चेक करके देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारी चाशनी बन के हो चुकी है तैयार। तो हमें बिल्कुल इसी तरह से चाहिए। अब मैं लूंगी खोआ, तो मैंने 250 ग्राम खोआ का यूज किया है। खोआ को हम अच्छे से इस तरह से तोड़ लेंगे, क्योंकि ये फ्रिज में रखा हुआ था तो ये ठंडा है, थोड़ा सा टाइट हो गया है। तो हमें इसे हाथों से इस तरह से अच्छे से मसल लेना है, तो अच्छे से एकदम छोटे छोटे से पीसेस हो जाएंगे। अब मैं लूंगी फ्रेंड्स मैदा, तो मैंने 2 कप के आसपास मैदा लिया है। लगभग हमने 250 ग्राम खोआ लिया है, तो हम इसमें 100 ग्राम मैदे का यूज करेंगे। और अच्छे से हम मैदे और खोआ को अच्छे से हमें कर लेना है मिक्स, एकदम पाउडर सा बना के कर लेना है तैयार खोआ का। बिल्कुल इस तरह से हम हाथों से अच्छे से फ्रेंड्स लगभग 2-3 मिनट तक हमें इसी तरह से मसलते रहना है, मैदा अच्छे से खोआ में मिक्स हो जाएगी। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हम थोड़ी थोड़ी देर अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अब अच्छे से मिक्स हो गया, तो हम इसमें आधी चम्मच के आसपास हम सोडा डालेंगे। तो अब फ्रेंड्स सामग्री के अनुसार आप कम या ज्यादा सोडा ले सकते हैं। तो हमने 250 ग्राम खोआ में और 100 ग्राम मैदा में आधी चम्मच का सोडा यूज किया है, आधी चम्मच सोडा डाला यानी। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके फ्रेंड्स पानी डाल देंगे और हमें बढ़िया सा सॉफ्ट आटा लगा के कर लेना है तैयार, बिल्कुल इस तरह से। तो फ्रेंड्स इस तरह से थोड़ी देर हम आटे को और हाथों से अच्छे से मसल देंगे और इसे हम 5 मिनट के लिए फ्रेंड्स रेस्ट करने के लिए रख देंगे, क्योंकि इसमें जो मैदा का यूज हुआ है अच्छे से थोड़ी फूल जाएगी। तो रसगुल्ले हमारे बढ़िया से सॉफ्ट बनके होते हैं तैयार, यानी छोटे छोटे से गुलाब जामुन आप रसगुल्ले भी बोल सकते हैं, मेरे यहाँ तो वैसे इनको रसगुल्ला ही बोलते हैं। अब फ्रेंड्स इनको हम छोटे छोटे से इस तरह से आकार में बना लेंगे, एकदम मोती जैसे बना के करूंगी तैयार, जैसे मोती होते हैं। तो आप कोई सा भी साइज दे सकते हैं, छोटा या बड़ा। तो मैं इसी तरह से फ्रेंड्स सभी को मैंने बना के रख लिया था, इसी तरह से मैं आपको एक छोटे से कुछ दिखा दे रही हूँ इस तरह से, और मैं थोड़े से और दिखा दूंगी आपको इस तरह से बना के। तो देखिए मैंने सभी को बना के इस तरह से रख लिए। तो देखिए फ्रेंड्स सभी बन के हमारे हो चुके तैयार। तो फ्रेंड्स लग रहे हैं देखने में मोती जैसे। अब इनको हम करेंगे फ्राई। तो मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी थी और कुकिंग ऑयल डाल दिया था, आप चाहे तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमने सभी को डाल दिया है एक एक करके। फ्रेंड्स वो क्लिप मुझसे मिस हो गई डालने वाली, तो फ्रेंड्स इसके लिए सॉरी। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम सभी को फ्राई कर लेंगे धीमी आंच पर। इसकी आंच हमें ना धीमी रखनी है और ना ज्यादा तेज, हमें धीमी आंच पर ही यानी मध्यम आंच पर पकाना है इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स ये फ्राई हो रहा है, तब भी आपको मोती जैसे लगेंगे, देखने में कितने बढ़िया लग रहे हैं। इसी तरह से इन्हें हम बढ़िया सा हल्का सा हमें डार्क करना है इस तरह से। तो फ्रेंड्स अभी फ्राई हो चुके हैं, तो इस स्टेज पे हम इनको निकाल लेंगे। और मेरे जितने भी फ्रेंड्स बने हुए हैं इसी तरह से छोटे छोटे से, मैं सभी को निकाल के रख लूंगी। तो मैं इसी तरह से सभी को फ्राई कर लूंगी। फ्रेंड्स मेरे बेटे को ये बहुत ही पसंद है छोटे छोटे से, वैसे खाता नहीं था, जब मैंने इनको छोटे साइज में बनाया तो वो आराम से खा लेता है, तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स अब हम चाशनी में डालेंगे, जो हमारी चाशनी बन के रखी हुई थी। चाशनी हमारी गुनगुनी सी है, ज्यादा गर्म नहीं है। अब हम डाल देंगे इसमें गुलाब जामुन जो हमने बना के रखे हुए थे। तो मैं फ्रेंड्स इसी तरह से सभी को डालती जाऊं, एकदम गरम नहीं डालने हैं हमें। तो
थोड़े से ठंडा होने पर हमें एक गुलाब जामुन डालना है चाशनी में, वरना एकदम गर्म डालेंगे तो थोड़े से गल जाते हैं और थोड़े से बिसल भी जाते हैं, फट से जाते हैं, तो आप हल्का सा ठंडा होने पर ही डालें। इसी तरह मैं सभी को बना के रख लूंगी और चाशनी में डालती जाऊंगी। तो देखिए इस तरह से हमारे बढ़िया से फूल चुके हैं। 1 घंटे के लिए मैंने छोड़ दिया था। तो देखिए फ्रेंड्स कितने सॉफ्ट एकदम स्पंजी बने के हुए हैं तैयार, और खाने में बहुत ही मजे एकदम मुंह में खुल जाते हैं। तो इस तरह से ट्राई कीजिएगा। अब मैंने इनको एक बाउल में सर्व कर लिया था इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स कितने बड़े लग रहे हैं, ये देखने में भी और खाने में बहुत ही मजेदार लगते हैं, एकदम सॉफ्ट बनके हुए हैं तैयार। तो फ्रेंड्स हम अक्सर बनाते हैं अपने घर में, जब भी हमारे घर में खुआ आता है, मेरे बेटे को ये छोटे छोटे साइज के बहुत ही पसंद है। वैसे पहले खाता नहीं था, तो जब से मैं बनाने लगी हूँ तो वो खा लेता है। तो वीडियो अच्छे लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो नई रेसिपी। वीडियो देखें, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।